नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने कुछ नया आइडिया और जबरदस्त आइडिया लेके आए। ठीक है, बहुत लोग का रिक्वायरमेंट था, जैसे इससे पहले जो वीडियो चॉकलेट के चगाए थे तो वो जैसे रिक्वायरमेंट था कि नहीं भैया थोड़ा सा और एक दो चॉकलेट के बारे में हमको डिटेल्स चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लेकर आए हैं। देखिए, हमारे पास ये चॉकलेट है जो जबरदस्त है, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा चॉकलेट देखिए, ये मार्केट में एक रुपया बिक्री का है। ठीक है, और किस में ये सालों साल चलता है और ये इतना जबरदस्त है कि खाने के बाद, ठीक है, मतलब खाने के बाद क्या बोलिएगा, मतलब किस करने का मन कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये चॉकलेट है और इस चॉकलेट को देखिए तोड़ के निकालते हैं। कोई वो सब बोलते हैं ना कि ये लूज मार्केट होता तो खराब होता, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए कितना सॉलिड निकलेगा माल, और देखिए इसको खाइए। ठीक है, खाने के बाद जबरदस्त लगेगा, दूध मलाई क्रीम की तरह सब है। कैमरामैन खाएगा, कैमरामैन इतना अच्छा जबरदस्त स्वाद है कि खाने के बाद बच्चा एक बार का 10-10 बार लेगा ये चॉकलेट, और ये मार्केट में एक रुपया बिक्री का है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे पैकिंग करना है, कैसे मार्केट में देना है, ये सारा आइडिया बताएंगे। कितना में माल तैयार होगा ये सारा आइडिया बताएंगे। आपको कैसे केजी पड़ेगा वो चीज बताएंगे। आप हमारे यहाँ से देखिए, जिस प्रकार का अगर कैंडी चॉकलेट कुछ भी लेता है ना, तो कोई पाबंदी नहीं है। आप हमारे यहाँ से जितना चाहेंगे उतना ले सकते हैं, 100 केजी भी ले सकते हैं, 500 केजी भी ले सकते हैं, 50 केजी भी ले सकते हैं, 5 केजी भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक जो थैली होता है वो लगभग 10 केजी का होता है, मगर जैसे आप कम लीजिएगा तो हम कम भी दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे कस्टमर जो होते हैं जो टॉय का बिजनेस काम करते हैं, जिसमें चॉकलेट का जरूरत पड़ता है, उसमें स्कीम में डालना होता है, तो उन लोग का 50 केजी चॉकलेट की जरूरत नहीं पड़ता है। उन लोग बोलते हैं भाई हमको 2 केजी चॉकलेट दे दीजिएगा तो मेरे लिए काफी है, हम इतना ही में खुश हो जाएंगे। तो ठीक है, तो हम नाराज किन्हीं को नहीं करते हैं, आप जितना बोलिएगा उतना दे देते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्ज आपका लगता है। अगर कम माल मंगाते हैं तो आपका कॉस्ट ज्यादा लग जाता है, अगर ज्यादा क्वांटिटी में मंगाते हैं तो आपका कॉस्ट कम पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस प्रकार का ट्रांसपेरेंट डब्बा का। सबसे पहले इस प्रकार का ट्रांसपेरेंट डब्बा आपको मार्केट से लेना है। अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको या आपको जानकारी नहीं, तो डब्बी आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। हमारे यहाँ से ऑल इंडिया सब जगह ये डब्बा भेज देंगे। ठीक है, ये खाली डब्बा मंगाना चाहेंगे तो खाली मंगा सकते हैं, मगर खाली मंगाइएगा तो इसका जो अंदर में स्पेस है उसमें आपका चार्ज लग जाएगा, मगर ये स्पेस को हम लोग क्या करेंगे, चॉकलेट डाल के आपको भेजेंगे कि ताकि वो स्पेस का पैसा आपको नहीं लगेगा, उसके बदले ये चॉकलेट आपका फ्री में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाले तो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनका तो वेट के अनुसार माल जाता है। ठीक है, क्योंकि डब्बा भी भेजिएगा तो उनका गाड़ी में तो माल उतना ही लगाएगा। ठीक है, तो उसके जगह पर क्या करेंगे, चॉकलेट डाल देंगे कि ताकि इसका वेट बढ़ जाएगा और आपके साथ चला जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से कैंडिड शिप डाला हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, जैसे ये हमारे पास देखिए बटखारा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसको लेबल किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ये तराजू है और इसको हम लोग लेबल कर लेते हैं पहले। ठीक है, इसको यहां से लेबर करते हैं। ठीक है, ये जैसे यहां पर कांटा फिक्स हो गया, अब यहां पर 50 ग्राम का हम बटखारा चगा दिए। ठीक है, चलिए हम 200 ग्राम का बटखारा चगा दिए, 200 ग्राम चगाए हैं। अब देखते हैं कि 200 ग्राम में कितना ये किशमिश चॉकलेट चगेगा। तो सबसे पहले हम काउंटिंग करते हैं, पहले एक बार वजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वजन कर लिए हैं, इसको हटा देते हैं। अब इसमें गिनते हैं टोटल कितना है, वीडियो कटिंग नहीं करना है, तो डाइट दिखाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, देखिए इसमें 41 को चाहगा है। ठीक है, 41 42 पीस इसमें चाहता है। ठीक है, मतलब 100 ग्राम में 21 पीस चाहता है आपका। ये जो है किसमें 100 ग्राम में कितना चाहेगा, 21 पीस, मतलब 1 केजी में कितना चाहेगा, 210 पीस। मेरा कैटलॉग में भी देखिएगा, वहां पर 210 पीस लिखा गया है। ठीक है, 1 केजी में। ठीक है, ये 210 पीस चाहेगा 1 केजी में। सोच लिया आपको बनाना कितना है, तो इसमें देखिए डब्बा में डालना है। आप चाहिएगा तो देखना, बजट हमको 150 पीस का बनाना है, 100 पीस का बनाना है, 120 पीस का बनाना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग डालते हैं ये डब्बा में, अटता कितना है। ठीक है, क्योंकि मेन कैलकुलेट भी करना जरूरी है। तो इसमें सबसे, ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसमें कितना पीस अटता है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको
और डाल लेते हैं, पूरा आधा केजी कर लेते हैं। चॉकलेट को हम लोग आधा केजी पूरा करते हैं, उसके बाद डालते हैं। आधा केजी नहीं डालेंगे तो कम डालेंगे, हम लोग कम बजट का बनाने वाले हैं। डायरेक्ट डेमो देखिए, डायरेक्ट कोई इधर झकझुक मत रखिए कि माइंड में कैमरा के अलग अलग चीज होता है और कैमरा के साथ अलग होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सब डालना स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छा से जितना बैठाइएगा उतना ज्यादा चॉकलेट हटेगा, क्योंकि थोड़ा सा चॉकलेट का लंबाई ज्यादा है। देखिए इसमें जितना भी है अभी यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा, इसको अच्छा से हट जाएगा, इसको खुश कर सब हटेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए टोटल हम आधा केजी हटा दिए हैं। अब आधा केजी में कितना चाहगा होगा, 105 को चाहगा होगा। ठीक है, तो इसमें 105 रुपया का बनाएंगे, दिक्कत क्या है, 105 का बनाएंगे, जितना हटेगा उतना ही ना बटाएंगे। ठीक है, तो इसमें आधा केजी चॉकलेट फिर भी गया। अब इसमें टोटल चाहगा कि क्योंकि ये साइज में चॉकलेट बड़ा था, इस कारण आटा कितना 120 हो। अगर आप चाहिएगा तो 110 भी हटा सकते हो, 120 भी हटा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये डब्बा हम सरिया के डाले नहीं है। देखिए सारा स्पेस, अगर थोड़ा सा सरिया के मेहनत कीजिएगा ना तो ये सारा का सारा पूरा अच्छा से हटेगा, 120 हो। ठीक है, अगर 120 हम 105 का ही लेते हैं या 110 का लेते हैं, क्योंकि 210 भी चाहता है ना। ठीक है, तो 210 भी चाहता है तो हम 105 का लेंगे आधा केजी। आधा केजी का दाम कितना हो गया आपका, बताइए, आप ही बताइए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, आधा केजी का दाम हो गया आपका 45 रुपया, कितना हो गया, आधा केजी का दाम आपका 45 रुपया हो गया। डबिया चार्ज कितना, ठीक है, तो ये डबिया चार्ज हम बोले के 12 रुपया लगेगा, प्लस में 3 रुपया एक्स्ट्रा हम क्या बताएं, लेबर चार्ज होगा, स्टाफ चार्ज होगा, स्टिकर होगा, ये 3 रुपया काफी है, क्योंकि इसमें मेहनत का गिनना है, डालना है, गिनना है, डालना। ठीक है, तो 15 रुपया इधर, यानी 60 रुपया में माल तैयार हो रहा 105 रुपया का, क्योंकि इसका क्वालिटी जो है हेवी है, अब 1 रुपया करके बिकेगा। ठीक है, तो इसको मार्केट में आप 70 में छोड़ दीजिए, अगला 75 में होलसेलर छोड़ेगा, क्योंकि उन लोग का 5 रुपया काफी होता डब्बा पर बेचना, क्योंकि उनके पास एक का वो कस्टमर 10-10 डब्बा 5-5 डब्बा ले जाता। ठीक है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिएगा तो आपको 10 रुपया डब्बा कम से कम बचना चाहिए। ठीक है, अगर गाँव बस्ती में घूम के दीजिएगा तो डायरेक्ट आप 70 में दीजिए, 80 में दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगला को फिर भी 25 रुपया डब्बा पर बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आप चॉकलेट लीजिए और मार्केट में जाइए, बैठे हुए मत रहिए, प्रोडक्ट का वैरायटी लेके जाइए। मार्केट में जब जाइएगा ना तो लाखों प्रकार का प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे आप त्योहार में फेस्टिवल में मेला घूमने जाते हैं ना, तो क्या घूमने जाते हैं पता है, सिर्फ देखने जाते हैं, हजारों प्रकार का प्रोडक्ट, झूला देखते हैं, खाने वाला देखते हैं, खेलने वाला देखते हैं, घूमने वाला देखते हैं, ये सारा चीज उसी का मेला। ठीक है, और उसमें जो पसंद आ जाता है वो खरीद लेता है। तो उसी प्रकार से मार्केट में जाइए ना तो बहुत सारा प्रोडक्ट लेकर बहुत सारा प्रोडक्ट लेकर जाइएगा ना तो कुछ ना कुछ पसंद होगा। जैसे मान लीजिए आपको ये पसंद नहीं हुआ, ये पसंद नहीं हुआ, कोई तो पसंद होगा। अब जैसे मान लीजिए 3 प्रकार का आप लेके गए, 3 प्रकार का अगर लेके जाइएगा तो दुकानदार का मान लीजिए ये पसंद नहीं आया, ये नहीं पसंद, ये पसंद आ जाएगा। अगर ये नहीं पसंद आया, किसी का ये पसंद आ जाएगा, किसी के ये पसंद आ जाएगा। तो इस प्रकार से लीजिए और बनाइए। अगर आप हमारे यहाँ से मंगाना चाहते हैं तो डब्बा भरा हुआ देंगे, हम डब्बा के साथ भरा हुआ देंगे, डब्बा का दाम जोड़ेंगे और सिर्फ चॉकलेट का दाम जोड़ेंगे। ठीक है, भरने का चार्ज नहीं जोड़ेंगे हम, ये डब्बा का दाम देंगे। ठीक है, और ये डब्बा के साथ साथ आपको मिलेगा ये चॉकलेट का दाम लगेगा, भरने का चार्ज फ्री। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्ज जो भी लगेगा आपका ट्रांसपोर्ट से जाएगा। इतना सुविधा आपको कहीं नहीं मिलने वाला, किया हुआ सब चीज मिलेगा,
ये सिर्फ कैंडी के बारे में बात कर रहे हैं, ये ना कि टॉय के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा इस प्रकार से भरा हुआ मिलेगा, जैसे आप जितना भी प्रकार चाहिए, तो कम से कम जब भी अगर ऑर्डर कीजिएगा तो कम से कम मान लीजिए 5-5 केजी या 10-10 केजी अगर ये भरवाते हैं तो 10 केजी में 20 डिब्बा एक डिजाइन का बनेगा, ठीक है। अगर 10 प्रकार का मंगाइएगा तो सोच लीजिए 10 × 20 मतलब 200 डब्बा आपका हो जाएगा। तो मार्केट में दीजिए, जैसे आप ही जैसे बहुत लोग होते होकर लोग जानते हैं ना, जो साइकिल पर लाद कर गांव पहुंचाते हैं, दुकानदार को देते हैं, उसको होकर बोलते हैं, ठीक है। होलसेलर किसको बोलते हैं, जो मार्केट में दुकान खोल के बैठा हुआ उसको होलसेलर बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर किसको बोलते हैं, ठीक है, जो माल एक कंपनी से उठाकर हर होलसेलर को देता है घूम घूम कर दुकान में, जैसे ये वाला सिटी में गया, फिर दूसरा सिटी में गया, तीसरा सिटी में गया, वो होलसेलर हो गया। और मैन्युफैक्चरर तो जान ही रहे जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा, ठीक है। तो उसी प्रकार से है कि आप हमारे यहाँ से बना बनाया लीजिए, आप होलसेलर को देने के इच्छुक है तो होलसेलर को दीजिए, अगर डिस्ट्रीब्यूटर को देना है तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी दे सकते हैं, अच्छा मतलब उनको मतलब क्वांटिटी में माल देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए होकर को देना तो होकर के दीजिए, ठीक है, होकर में और ज़्यादा गांव-गांव में पहुंच जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमको और मार्जिन कमाना है तो आप डायरेक्ट चल जाइए गाँव बस्ती में, अगर एक गांव या बस्ती में जाते हैं अगर वहां पर 5 भी दुकान होगा तो अगर 5 दुकान में अगर एक एक डब्बा दीजिएगा तो 5 डब्बा अगर मार्जिन 30 रुपये भी रखिएगा तो 30-25-150 रुपया एक गांव से आ जाएगा। वैसे वैसे दिन भर में 10 गांव घूम जाइएगा तो 1500 रुपया आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर जरूरत नहीं कि फिर कल उसी गाँव में जाना, नहीं कल उस गाँव में नहीं जाएंगे, आप 1 महीना के बाद जाएंगे उस गाँव में, अब चल जाइए दूसरा इलाका में, फिर तीसरा इलाका, चौथा इलाका, पांचवा इलाका, सब जगह कार्ड और नंबर दे के रखिए। फिर वो फोन करेगा, भैया चॉकलेट खत्म हो गया, आप मेरे पास आके चॉकलेट दे दीजिए। इसके साथ साथ हम नया नया प्रकार का टॉय और वैरायटी दे सकते हैं, ठीक है। टॉय भी दीजिए, सब चीज दीजिए, मेल दीजिए, आपको जो बिजनेस करने की इच्छा है ना उसमें सब चीज इंक्लूड करते रहिए, उसमें ऐड करते रहिए। जितना आपको पास प्रोडक्ट का ऐड रहेगा ना उतना ज्यादा मार्केट में आपका प्रोडक्ट भी चलेगा, आपका मार्केट में रिस्पांस भी आपको मिलेगा, आपका मार्केट में वैल्यू। कि नहीं, ये व्यक्ति जब आता है ना तो इसके पास 50 प्रकार का प्रोडक्ट होता है, 50 प्रकार का प्रोडक्ट रहेगा, एक आदमी जगह से खरीदेगा, 50 दुकान उसको 50 गो मतलब कस्टमर की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से बिजनेस बहुत सारा है, जैसे हमारे पास देखिए इस प्रकार का चॉकलेट है, ठीक है, देखिए इसको भी खोल के दिखाते हैं। तो इस प्रकार का चॉकलेट लीजिए और मार्केट में दीजिए, ये सब महंगो वाला है, बच्चों लोग सालों साल चलता है, ठीक है, खा के देखिए, तोड़ के देखिए तब लीजिए। और इसमें देखिए इस प्रकार का चॉकलेट बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये चॉकलेट का दाम, और देखिए एक ठो और हम दिखाते हैं ये वाला चॉकलेट, ठीक है। आप जैसे बोलिएगा भैया ये चॉकलेट कितना चाहिएगा, अब ये चॉकलेट कितना, ये तो हम जोड़ के दिखाएं कि ये जो चॉकलेट है दोनों का साइज देखिए, ठीक है। सब लोग बोलते हैं ना कि देखिए ये भैया 500 पीस चाहता, ये चाहिएगा पर 500 पीस और ये चाहिएगा लगभग 450-450 पीस, ठीक है। तो ये साइज है, सब कंपनियां अपना डिजाइन से बनाती है, पीस पर मत जाइएगा। बहुत सारे जो चॉकलेट होता है 700-800 पीस जो चाहता है ना, इससे भी छोटा होता है, इससे भी छोटा है। अब बच्चों लोग 10 पैसिया दीजिएगा तो फिर 10 पैसा का आपका मार्जिन होगा, 1 रुपया का नहीं होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे बच्चा लोग का होगा आपका दुकान पर आना बंद कर देगा, ठीक है। तो आप बड़ा वाला लीजिए, बच्चा लोग का लगना चाहिए हाँ 50 पैसा का चॉकलेट खा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 पैसा का चॉकलेट दीजिएगा ना तो ये दुकान छोड़ के बगल वाला दुकान पर चल जाएगा, जो 10 पैसा का आ रहा है वो भी 10 पैसा खत्म, ठीक है। तो आप 5 पैसा मार्जिन पर काम कीजिएगा ना तब जाके मार्केट में ज्यादा चलेगा, ठीक है। तो हम चॉकलेट का साइज बता दे रहे कि देखिए चॉकलेट का साइज से पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा, ठीक है। खोल के जूम करके आप खोल के देख लीजिए, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग कमेंट करते हैं भैया वो कंपनी वाला जो है ना 800 पीस चॉकलेट और चाहता है, ठीक है, चाहने के लिए चाह सकता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार का चॉकलेट लीजिए, सब डिजाइन का रखिए, कम वाला भी रखिए, बढ़िया दाम के भी रखिए। मार्केट में क्वालिटी से समझौता मत कीजिए, तब मार्केट आपका चलेगा और जबरदस्त चलेगा। तो हम ज्यादा कुछ बोलने वाले नहीं है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो इस प्रकार के भरा हुआ डब्बा आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। अगर आपको लगता है लूज मंगाना है तो आप लूज मंगवा सकते हैं, डायरेक्ट 10 केजी चाहिए तो 10 केजी मिलेगा, 50 केजी चाहिए तो 50 केजी मिलेगा, 100 केजी बोलेगा तो 100 केजी मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हमको 50 केजी में कम से कम सब मिला के चाहिए तो हम सब मिलाकर आपको देंगे, आप 2 केजी करके बोलिएगा तो हम 2 केजी देंगे, निराश नहीं होने देंगे हम आपको, ठीक है। बहुत लोग जैसे निराश हो जाते हैं, अब वो तो कंपनी वाले तो बोलते हैं कि 50 केजी से तो कम देंगे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनका तो बड़ा मैन्युफैक्चरिंग होता है, उनका करोड़ों का काम होता है, मगर आपका तो करोड़ का तो माल लेना नहीं है, आपको तो 5,000-10,000 का लेना, तो आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं।
तो जो है सब खुल के बता देते हैं, इधर उधर का बात नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ज्यादा कुछ न बोलेंगे, सोचिए समझिए विचार कीजिए और बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद।